एक्चुअली टाइमिंग इसलिए चेंज नहीं कर रहे कि सारे टाइम ना एक दूसरे से कनेक्ट है। एक टाइम चेंज करना मतलब टाइम टेबल बनाने बैठना, पिछली बार 4 दिन लग गए थे, तो अभी उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो टाइमिंग जो है एसेट इज रहेगी, है ना। और तो ऐसा कर लेते हैं, हम कल 11 से रख लेते हैं एडवांस की क्लास, है ना, जो कॉस्टिंग के पहले रहेगी। तो कॉस्टिंग में कितने लोग बैठते हैं? तो वो लोग भले, हाँ बोलो, कहाँ क्लास है? दूसरी जगह भी जाते हो? हाउ डेयर यू। अच्छा कहाँ जाते? हाँ मतलब कहीं भी जाते हो। क्लास का टाइम क्या है वहाँ? 12 से। अच्छा दो लोग तुम छूट रहे हो, दो और छूट रहे हैं, तो मैं चार को भले अलग से बिठा के पढ़ा दूंगा, सबका नुकसान ना हो यार। अटेम्प ना बहुत जल्दी आ गया है, ये रिकॉर्डिंग हो गई। और बताओ ये मेरी बात ऐसे कौन हंसता है? ठीक है, तो कल क्लास रखेंगे हम, मैं टाइम बोल रहा हूँ बार बार, 11 से 12:30, क्योंकि मेरी खुद की क्लास है 12:30 से GST, तो 11 से 12:30 कल क्लास रहेगी, है ना। डन, एडवांस की क्लास 11:30 से 12:30, मैं लिख देता हूँ, मैं भूल जाऊँगा। ठीक है गणेश, जो भी मैसेज करो तो ये मैसेज कर देना, SM 11 तक हो जाती है ना, तो क्या समस्या है फिर? Who the hell sir is? सुनो, मेरी बात हो गई है सर से, तो मैं मैसेज आ जाएगा, उसमें सर के साइन रहेंगे डिजिटल। चलो आगे बढ़े। मैं बिजन राजपूत हो सोहास में, देखना अभी क्वेश्चन नंबर 4 दिया, क्या इसको क्लास में करना है? वही मैं कह रहा था एग्जैक्टली। और पहले को होमवर्क, पढ़ाई से कंप्रोमाइज नहीं है, सुन लिया। क्वेश्चन नंबर 4 किस चीज का? प्रैक्टिस मैनुअल का होमवर्क है। अब उसके सिमिलर जो क्वेश्चन है मैं तुम्हें बता देता हूं, और उनको तुम एक आध क्वेश्चन करके बाकी हटा सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 4 पर देखना, है ना, तो उसके ब्रैकेट में लिख लेना कि सिमिलर टू क्वेश्चन है। देखें उसमें क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है तुम्हें, उसमें मिला 4 पेज हैं, 3 ढूंढ रहे हैं वो, कहीं पूरी किताब बांट देता मैं तो मुश्किल ही हो जाती आज। देखो एंड में क्या लिखा हुआ है कि ये कहीं 38 रुपए दिख रहा है तुम्हें, उसके जस्ट ऊपर देखो, ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन फॉर द ट्रांसफर द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इशूड अंडर द प्लान इज एस्टिमेटेड 38। समझ गए तुम? हाँ, तो एक ए और बचा लो और बाकी इसके जैसे होंगे वो सब काट देना, दो तो बचे ना, एक करा फिर कंफ्यूजन है तो एक और करा, तो इसको भी होमवर्क लिख लेना, बाकी इसके जैसे जो क्वेश्चन मिलेंगे वो अपन काट देंगे। ठीक है, तो कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 4 देखना पेज नंबर 3 पर, और उसको देखते ही काट दो, और उसमें अंडरलाइन कर लेना पोस्ट वेस्टिंग, तुम्हें दिख जाएगा। कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कहीं दिख रहा है 28, उसके ऊपर दिख रहा है जस्ट ऊपर ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन, अंडरलाइन करो, काट दो। क्यों काटा हमने? सिमिलर है, जबरदस्ती 8 क्वेश्चन नहीं करने हैं, रद्दी क्वेश्चन है, लेवल ही नहीं है उसका। केवल एक बात पता होना चाहिए कि 60 नहीं 56 होगा, खत्म बात, बाकी तो वही है। ओके चलो, अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं मॉड्यूल का, बढ़िया क्वेश्चन, पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्या? हाँ वो कुछ बोल रहा है, पेज रख लेना कुछ। इस क्वेश्चन को आप रीड करो एक बार, ठीक है सारे लोग, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 को रीड कर लें एक बार, है ना, नहीं समझ में आए तो 2 बार। हाँ चॉइस लिमिटेड वाला, दो बार पढ़ लेना, मैं चाहता हूं तुम ही समझो, है ना, ताकि हम डिस्कस करके खत्म कर लें।
पढ़ लिया सभी ने? ठीक है, अब एक बार साथ में पढ़ लेते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, केवल इंटरप्रेट करना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको लिख दो एग्जाम टाइम, देख लेना। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2018 में, नवंबर 2018 में, इंटर में, 10 नंबर का। देखो सबसे एंड में जो क्वेश्चन है अपनी सीट में, सबसे आखिरी क्वेश्चन जो सीट का है, वो 10 नंबर का आया था नवंबर 2018 के इंटर में, मतलब अभी अभी इसी अटैम्प में। ठीक है, तो ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं हम। इलस्ट्रेशन 3, चॉइस लिमिटेड ग्रांट्स 100 स्टॉक ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉई ऑन 1 अप्रैल 2009। 1 अप्रैल 2009 को 1000 एम्प्लॉई को 100-100 शेयर का ऑप्शन दिया गया। ठीक है, और कितने रुपए में ऑप्शन दिया गया? 4 रुपी 20, डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉई एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। जितने भी एम्प्लॉई बचेंगे हम दे देंगे आपको, है ना, हर एम्प्लॉई को 100 शेयर देने का उन्होंने वादा किया। ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइजेबल विद इन अ ईयर इट इज़ वेस्टेड। जब भी ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा, एक साल का उनके लिए क्या मिलेगा? एक्सरसाइज का पीरियड मिलेगा, है ना। एक्सरसाइज पीरियड कितना है? 1 साल, जब भी ऑप्शन वेस्ट होगा। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹50, 50 का मार्केट प्राइस है। ऑप्शन कितने में दिया गया है? 20, कितने का डिफरेंस है? 30 का जो खर्चा है। दिस ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1 इफ द अर्निंग ऑफ चॉइस लिमिटेड इज 16%। अगर चॉइस लिमिटेड की अर्निंग 16% हो जाती है, उन्होंने हो सकता है एम्प्लॉय से यही बोला हो कि आप लोग अच्छी मेहनत करो, अगर आप अच्छी मेहनत करोगे और 16% का प्रॉफिट होता है हमें, तो हम 1 साल के अंदर अंदर आपको ऑप्शन दे देंगे। अगर 30 रुपये का फायदा आपको कितने साल में हो जाएगा? 1 साल में। और इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर 2 इफ द एवरेज अर्निंग ऑफ 2 ईयर इज 13%। बोले अगर पहले साल 16 नहीं पहुँच पाया तो हम इसको दूसरे साल में वेस्ट कर देंगे ऑप्शन को, अगर 2 सालों का एवरेज कितना हो जाए? 13% कमाल है, है ना, तो हम सेकंड ईयर में वेस्ट कर देंगे। और लास्टली, आखिरी मौका और है, वो क्या मौका है? लास्टली इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर इफ द एवरेज अर्निंग ऑफ 3 ईयर्स विल बी 10%। अगर 2 साल का एवरेज 13 भी नहीं होता तो 3rd ईयर तक ऑप्शन वेस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें भी शर्त है कि 3 साल का एवरेज 10% तो कम से कम हो, है ना। अगर नहीं होगा तो फिर ऑप्शन वेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो 1 साल में वेस्ट हो जाएगा अगर पहले साल की अर्निंग कितनी हो जाए? 16%। नहीं हुई 16, सपोज 15 ही रह गई, तो अगले साल वेस्ट हो जाएगा अगर पहले और दूसरे साल का एवरेज कितना हो जाता है? 13। अगर वो भी नहीं होता तो 3rd ईयर में वेस्ट हो जाएगा अगर 3 सालों की अर्निंग का एवरेज कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? 5000 अनवेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट हो गए हैं 31 मार्च 2010 को। इससे तो तुम घबराए ही मत करो, फॉर्मूला जो तुम्हें बताया उसको लगाया करो, बहुत नॉर्मल हो जाएगा कि कब कौन छोड़ के गया, क्या फर्क पड़ रहा है, अपन ने तो फॉर्मूले में पुट करा और लॉजिकल है ना कि अब इतने लोग छोड़ के गए तो बचे हुए का क्या करना है अपन को, एक्सपेंस हो करना। तो क्या बोल रहे हैं कि 5000 अनवेस्टेड ऑप्शंस लेफ्ट कर गए हैं 31 मार्च 2010 को, 4000 अनवेस्टेड ऑप्शंस लेफ्ट कर गए 31 मार्च 2011 को, तो 5000 और 4000 9000 ऑप्शन चले गए। ओवरऑल कितने ऑप्शन थे? 1000 × 100, है ना, ऑप्शन की बात कर रहे हैं वो, 1000 × 100 ऑप्शन थे, 1 लाख ऑप्शन थे, तो 5000 छोड़ गए फिर 4000 छोड़ गए, कितने बचे? 91000 ऑप्शन बचे। ठीक है, फिर क्या हुआ? फाइनली 3500 अनवेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट कर गए 31 मार्च 2012 को, और 3500 ऑप्शन और छोड़ के चले गए अनवेस्टेड, है ना। ओके, फॉलोइंग इज द अर्निंग ऑफ चॉइस लिमिटेड। चॉइस लिमिटेड की अर्निंग ऐसी है, 31 मार्च 2010 में 14% था, जबकि शर्त क्या थी? 16 हो जाए, हो पाई क्या? नहीं। क्वेश्चन का यहाँ से शुरू होता है डिस्कशन कि जब आप पहले साल के एंड में खड़े होंगे तो आपको एक शर्त दी गई थी कि अगर पहले साल की अर्निंग 16 हो जाए तो हम पहले साल ऑप्शन को वेस्ट कर देंगे। अब पहले साल के एंड में क्या आपको पहले साल की अर्निंग पता चल गई? हाँ चल गई, पीएनएल बनाया आपने पता चल गई, तो कितनी निकली पहले साल की अर्निंग? 14। अब क्या आप ये जानते हैं कि अगले साल की अर्निंग क्या होगी? तो आप इतना तो समझ गए कि ये ऑप्शन इस बार तो वेस्ट होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि अर्निंग 16 से कम है। लेकिन आप फर्स्ट ईयर के एंड में ये नहीं समझ पाएंगे कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की अर्निंग का एवरेज 13 हो रहा है या नहीं हो रहा, वो आप बता सकते हैं क्या? कैसे बताएंगे आप फर्स्ट ईयर के एंड में ये बात? आप फर्स्ट ईयर के एंड में केवल इतना बता सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का टारगेट हुआ या नहीं हुआ। तो आपने फर्स्ट ईयर की अर्निंग देखी 14 थी,
देखा चार्ट कि यार 16 होना चाहिए थी, तो आपको लगा इस बार तो वेस्ट नहीं होगा, ये तो तय है कि इस बार वेस्ट नहीं होगा ऑप्शन, अगले साल जाएगा ये तो तय है, अगले साल वेस्ट होगा या नहीं होगा, क्या ये बात आप पहले साल के एंड में बता सकते हैं? वो तो डिपेंड करता है कि पहले साल और सेकंड ईयर की अर्निंग का एवरेज 13 हो जाए, और सेकंड ईयर की अर्निंग का तो सेकंड ईयर ही पता चलेगा। तो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उनके आंसर देना, क्या तुम्हें ये पता है कि पहले साल ऑप्शन वेस्ट नहीं हो सकता, पता है क्या? बोले अच्छे से, पक्का पता है? हाँ, क्योंकि ईयर के एंड तक तो आ गए ना अपन, और देखा 14% की अर्निंग है, मतलब इस बार तो नहीं होगा। क्या तुम्हें बता सकते हो कि अगले साल की अर्निंग क्या होगी? तो तुम्हें ये नहीं पता कि सेकंड ईयर तक जाएगा या थर्ड तक जाएगा, तो बस ये पता है कि इस बार तो वेस्ट नहीं हो, तो तुमने ऐसा एक्सपेक्ट करा कि चलो इस बार नहीं होगा अगले साल तक ले जाओ। तो जो खर्चा तुम बुक कर रहे थे वो इस साल और अगले साल, कितने साल में तुमने उसको डिफर करा होगा? 2 साल। यार इस बार तो प्लान नहीं होने वाला, अगले साल तक तो जाएगा, मतलब 2 साल तो आपको निश्चित है, निश्चित है, कोई डाउट नहीं, 2 तो निश्चित है कि 2 साल तो इन्वॉल्व होंगे, जो इस बार हो नहीं पाया तो अगले साल तो जा ही रहा है ना, अगले साल पे तो कोई डाउट है नहीं, और अगले साल तक ऑप्शन जाएगा नहीं जाएगा ये आप सेकंड ईयर के एंड में बता पाएंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में आप इतना तो बता सकते हैं कि इस बार कुछ नहीं होने वाला, मतलब अगले बार तो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के एंड में आपको लगा होगा कि इस बार नहीं हो सकता, अगले तक जाएगा, इसलिए आप खर्चे को कितने टुकड़ों में बांट रहे होंगे? 2 साल। अब आप आए सेकंड ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में आपने देखा कि सेकंड ईयर की अर्निंग कितनी है? 10। हाँ, वो अपन एम्प्लॉई को हटाते जाएंगे, है ना, मैं तो बस एक आइडिया दे रहा हूँ अपन करें। अब 10 की अर्निंग है सेकंड ईयर की, तो एवरेज कितना हो गया? 14 और 10 12। तो जब आप सेकंड ईयर के एंड में आए तब आपने देखा कि एवरेज तो 12 हो रहा है, जबकि सेकंड ईयर में वेस्ट होगा अगर एवरेज 13 हो, तो सेकंड ईयर के एंड में आपको कन्फर्म हो गया कि सेकंड ईयर में वेस्ट नहीं होगा। तो फिर आपने खर्चे को कितने टुकड़ों में बांटा? 3, क्योंकि ये तो निश्चित है कि ये थर्ड ईयर जाएगा, ये निश्चित नहीं है कि थर्ड ईयर में वेस्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन थर्ड ईयर तक जाएगा इसमें तो कोई डिस्कशन नहीं बचा। देखो पहले साल हुआ कितना? 14, होना था 16, ये समझ में आ गया इस बार नहीं हो सकता अगले साल जाएगा, तो पहली बार आपको लग रहा है कि 2 साल तो जाएगा। सेकेंड ईयर का एवरेज आपने चेक करा तो वो निकला 12, जबकि चाहिए था 13, तो आपको समझ में आ गया इस बार भी वेस्ट नहीं होगा ये, अगले साल तो जाएगा। तो पहली बार आपको लगा था 2 साल जाएगा, दूसरे साल आपको लग रहा है कि 3 साल, ओवरऑल 3 साल जाएगा। अब थर्ड ईयर के एंड में जब आप खड़े हो तब आपको देखना है कि ऑप्शन वेस्ट होगा या नहीं होगा, तो आपको 3 साल का एवरेज निकालना है। 3 साल का एवरेज कितना हो रहा है? 10 point something, है ना, 3-3, और कितना चाहिए था? 10। तो थर्ड ईयर के एंड में आपको निश्चित पता चल गया कि ये ऑप्शन खत्म, तो आप क्या उसको फोर्थ ईयर ले जाओगे? नहीं। क्या कोई डाउट? मैं करके बताऊंगा बोर्ड पे, बस कहानी सुना रहा हूँ। क्लियर है अभी, है ना? फर्स्ट ईयर में लग रहा है कि नहीं होगा, सेकंड तक जाएगा, सेकंड ईयर में फिर लगा ये नहीं होने वाला, थर्ड तक जाएगा, लेकिन थर्ड ईयर के एंड में जब हमने एवरेज निकाला थर्ड का, तब तो वो 10 से ज़्यादा हो गया, तो हमने कहा यार ये तो डन, ये तो यहीं हो जाएगा, तो अपन वहाँ पे रुक गए। क्वेश्चन में आगे लिखा कि 850 एम्प्लॉई एक्सरसाइज देयर बेस्टेड ऑप्शन, केवल 850 लोगों ने अपने बेस्टेड ऑप्शन को एक्सरसाइज किया विद इन अ ईयर, क्योंकि ऊपर लिखा था कि एक्सरसाइज पीरियड कितना मिलेगा? 1 साल, तो इन्होंने 1 साल के अंदर अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया। याद है तुम्हें 1 साल लिखा था कहीं? लिखा एंड रिमेनिंग ऑप्शन वर अनएक्सरसाइज एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ पास जनरल एंट्री फॉर द अबव। जनरल एंट्री तो नॉर्मल होती है, बस वर्किंग नोट अपन को इसका ठीक से बनाना है, तो हम वर्किंग नोट बना लेते हैं।
पहले टाइम स्केल बना लूँ ताकि गलत ना हो। ऑप्शन कब दिया गया था? 1 अप्रैल 2009 को, ठीक है। ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, और तीसरे साल में कन्फर्म हो गया तो एक्सरसाइज कब होगा? चौथे साल, है ना। एक साल का टाइम मिला था एक्सरसाइज पीरियड। तो डेट्स क्या हो जाएंगी? 31 मार्च 2010, 31 मार्च 2011 और 31 मार्च 2012, और ये हो जाएगी 31 मार्च 2013, ठीक है। यहाँ पे कितने ऑप्शन थे? तो 1000 एम्प्लॉय थे, नहीं सॉरी मैं ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, 100 स्टॉक ऑप्शन थे, 1000 एम्प्लॉय था, ठीक है। तो ऑप्शन है नंबर ऑफ एम्प्लॉय 1000, ऑप्शन पर एम्प्लॉय 100, टोटल कितना हो गया? 100000 ऑप्शन हो गए। खैर अभी 100000 लिख लिया हमने, लेकिन हमें एम्प्लॉय का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं वो हमें बताया गया है ना। अब पहले साल कितने एम्प्लॉय छोड़ के गया उन्होंने बोला था? नहीं, उन्होंने ऑप्शन बोला था छोड़ के गया ना, ठीक है, अच्छा है। यहाँ तो बाकी इन्फॉर्मेशन लिख लो, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 50, एक्सरसाइज प्राइस कितना है 20, ओके। अब कितने लोग छोड़ के गए? 5000 छोड़ के गए 31 मार्च 2010 तक, 31 मार्च 2010 तक। यहाँ तक कितने लोग छोड़ के चले गए? 5000 छोड़ के चले गए, यानी इस डेट पर कितने लोग थे? 95000 ऑप्शन थे। फिर कितने ऑप्शन छोड़ के चले गए? 4000 ऑप्शन और छोड़ के चले गए 31 मार्च 2011 तक। तो कितने बचे? 91000 ऑप्शंस बचे यहाँ पे इस डेट की बात करें, और फिर कुछ छोड़ के चले गए। कितने लोग छोड़ के गए? 3500 और छोड़ के गए 31 मार्च 2012 तक, 3500 और छोड़ गए। तो कितना गए? 87500, इतने थे। अब यहाँ देखें तो वेस्टेड ऑप्शन इतने हैं अपने पास, 87500। ऑप्शन एक्सरसाइज कितने हुए? 85000 लोगों ने, 85 एम्प्लॉय ने, 850 एम्प्लॉय ने, इनटू 100 शेयर्स, है ना। तो 85000 ऑप्शन एक्सरसाइज हो गए, और लैप्स कितने हो गए? 2500 लैप्स हो गए। इसमें कोई डाउट? बस वर्किंग नोट और बनाना है, बाकी तो एंट्री का काम है ना। मेन वर्किंग नोट ही है, अमाउंट निकालना है आपको, एंट्री तो वो ही होनी है, एम्प्लॉय कंपेंसेशन टू आउटस्टैंडिंग ईएसओपी और पीएनएल टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन। वर्किंग नोट बना लेते हैं। एक बार फॉर्मूला लिख लें, कल बनाया था फॉर्मूला, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लिखना है और नंबर ऑफ ऑप्शंस लिख लो एट एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में कितने ऑप्शन हैं, इनटू
फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस, इतने ऑप्शंस हैं जिन पे हमारा इतना खर्चा होना है, डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड इनटू पीरियड एक्सपायर्ड माइनस, माइनस क्या होता है यहाँ, एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। चलो करें इसको सॉल्व, ठीक है। अब इन्वॉल्व हो जाना प्लीज़, क्योंकि तुम एक बार दिमाग में बैठ जाएगा ना तो डर नहीं लगेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन ऐसा लगता है कि सर ये वाला क्वेश्चन करा दो, बच्चे क्लास में कर लेते हैं बाद में फिर बोलते हैं सर वो वाला क्वेश्चन बता दो, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, थोड़ा ध्यान से समझना है बस। देखें हम पहला खर्चा ईयर वन की जगह और साफ साफ लिख लेते हैं, कौन सा 31 मार्च 2010 को हम खर्च बुक करने वाले हैं। 5 तो छोड़ के चले गए, जो छोड़ के चले गए उनके तो खर्चे हम बुक करेंगे नहीं। प्लीज़ यहाँ देख लो एक आइडिया, बस एक मिनट भी नहीं लगना गुणा मल्टीप्लाई करने, बस तुम बस देख लो है ना, लिखते मत रहो। यहाँ कितने लोग थे 95,000, तो हम यही मान रहे हैं कि 95,000 रुकेंगे, तो हम 95,000 के हिसाब से क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस को बुक कर रहे हैं। मार्केट वैल्यू कितनी है 50, जिसमें से हमें 20 मिल जाएंगे, इतना खर्चा हमें बुक करना है। अब हमें फर्स्ट ईयर में क्या लगता है कि ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगा, यहाँ एक्सपेक्टेड रेट क्या थी अगर वेस्टिंग कराना हो 16%, एक्चुअल क्या हुई 14%, ऑप्शन वेस्टेड नहीं होगा, तो हमें यहाँ तक ही समझ में आया कि यहाँ वेस्ट नहीं होगा, तो हमें लगा कि अगले साल तक जाएगा, इसलिए हमें लगा कि ये खर्चा एक साल का तो नहीं है, ये कितने का है 2 साल का, 2 साल का खर्चा है तो इस साल कितना बुक करें, है ना। अभी तक तो हमने कोई खर्च बुक किया नहीं है, तो कितना खर्चा बुक करें इसका 14,25,000, इतना एक्सपेंस हम पहली बार बुक करें हमने ऐसा सोचा। अब बताना सेकंड ईयर का 31 मार्च 2011, 31 मार्च 2011 के जब एंड में खड़े थे तब हमें यहाँ सोचना था, ठीक है, तो कितने लोग बचे थे जिनका खर्चा बुक होना चाहिए 91,000, तो पहले तो मैं लिखता हूँ 91,000 का खर्चा बुक होना चाहिए था, 50 माइनस 20। अब सेकंड ईयर का एक्सपेक्टेड एवरेज रेट क्या चाहिए थी 13 ना, और एक्चुअल एवरेज क्या हुआ 12 एवरेज, तो क्या ये वेस्ट होगा, नो नहीं होगा वेस्ट। तो सेकंड ईयर में हमें समझ में आया कि ये तो थर्ड ईयर तक जाएगा, अगर ये ऑप्शन थर्ड ईयर तक जाएगा तो खर्चा शुरू से लेकर एंड तक कितने टुकड़ों में बटना चाहिए, 3 सालों में बटना चाहिए था, खर्चा तो 3 साल का हो जाएगा, तो हम अब बताओ इसको किससे डिवाइड करें, 3 से या 2 से। पहले साल हमें लग रहा है सेकंड तक जाएगा, सेकंड ईयर में हमें लग रहा है थर्ड तक जाएगा, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं। कितने साल हो चुके हैं 2, तो अगर इतना खर्चा 3 का है तो 2 में कितना बुक हो जाना चाहिए था, कितना 18,20,000 बुक हो जाना चाहिए था, क्लियर है पक्का, हाँ। और कितना बुक कर चुके हैं हम 14,25,000 बुक कर चुके हैं, ठीक है, तो 3,95,000 और बुक होना चाहिए। अमाउंट अचानक से इतना कैसे गिर गया, एक तो एम्प्लॉय छोड़ के चले गए और जो खर्चा 2 साल में बट रहा था वो कितने बट रहा है 3 में, तो वो तो डाउन हो गई ना, कि खर्चा तो बढ़ा नहीं, खर्चा उल्टा क्या हो गया, पहले 95 का था अब केवल 91 का है, खर्च गिर गया और ईयर्स क्या हो गए बढ़ गए, तो पिछले साल खर्चा बहुत ज्यादा बुक हो गया होगा, वो 2 साल के हिसाब से बुक हुआ है ना, तो ज़्यादा बुक हो गया, वो भी 95 के हिसाब से बुक हुआ तो और ज़्यादा बुक हो गया, इसलिए इस बार अमाउंट अचानक से क्या हो गया डाउन हो गया। अब बताएं 31 मार्च 2012
यहाँ पे एक्सपेक्टेड कितना था अपना 10%, हो कितना गया 11.10.33। ऑप्शन बेस्ड होगा, यस। अगर ऑप्शन बेस्ड होगा तो बताओ वेस्टिंग पीरियड कितना, 3 साल। तो अल्टीमेटली अच्छा कितने लोग बचे वहाँ पे, 87,500। ये पूरा खर्चा जो है 87,500 ऑप्शन का बुक होना है, 50 माइनस 20, कितने सालों में, 3, कितने हो गए 3। तो पूरा खर्चा बुक होना चाहिए, कितना पूरा, ओके कितना बुक कर चुके हम, इतना बुक कर चुके 18 लाख, पक्का आ रहा है समझ में, ये इन दोनों का टोटल है। तो कितना बचा अब, 8,05,000, इतना खर्च क्या हो जाना चाहिए, बुक हो जाना चाहिए। बस वर्किंग नोट में है, अब तो तुम्हें क्या एंट्री करनी है, एंट्री पहली बार कितने खर्चे करोगे, अमाउंट एक ही आता है साल भर में, 2 एंट्री होती है, अमाउंट एक ही रहता है, फिर अगली बार इसकी एंट्री होगी, अगली बार इसकी एंट्री होगी, हो गया काम। अब अल्टीमेटली खर्चा बुक हो चुका है जो होना था, अब देख लेना इतना एक्सरसाइज हो रहा है तो उसका शेयर इशू कर देना, इतना लैप्स हो रहा है तो उसका जने जमा चला जाए, एंट्री में कोई डाउट नहीं है ना, तो बस वर्किंग नोट पे काम अच्छे से देख लें, समझ लें, और ये डाउट नहीं बनना चाहिए ना, डाउट बन जाता है एंड तक जाते जाते। जहाँ एक्सपेक्टेड लिखा है उसकी जगह लिख लो रिक्वायर्ड, है ना, एक्सपेक्टेड का मतलब कुछ नहीं था। यहाँ रिक्वायर्ड कितना था, 16, रिक्वायर्ड था यहाँ एवरेज 13, और यहाँ रिक्वायर्ड था एवरेज 10, एक्चुअल कितना है 10.3। थोड़ा स्पीड में करना है ना, एंट्री तुम चाहो तो अभी वैसी कर लो जैसे मैंने करी थी थोड़ी देर पहले, एग्जाम मत करना, वो टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ ना। तो 3 साल की एक साथ हो जाएंगी, फिर 4th साल की अलग से कर लेना।
हो गया, बिल्कुल टाइम पास मत करना, हो गया हो तो ठीक है आगे बढ़ते है ना। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क लिखें, क्वेश्चन नंबर 12। चलो देखो, लकी लिमिटेड वाला कर लिया, होमवर्क लिख लिया तुमने, इसमें केवल एक क्वेश्चन बचा है जो डिस्कस नहीं हुआ, वो क्वेश्चन नंबर 10। देखिए जो नवंबर 2017 में आया था, ये इस टाइम तो डिस्कशन शुरू भी नहीं हो सकता इस पर, ठीक है। तो मैं अननेसेसरी टाइम पे डिस्कशन नहीं शुरू कर रहा हूँ इसका, मतलब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्लियर नहीं होगा अभी। तो इससे अच्छा हम नया शुरू कर लेते हैं कुछ, ठीक है। बस इस क्वेश्चन पे लिख दो पेंटिंग, एक ही क्वेश्चन छोड़ा हमने, बाकी सारे कर लिए, नवंबर 17 में पूछा गया था। थोड़ा इसका सॉल्यूशन बड़ा है तो अभी हो नहीं पाएगा। हम कोई नया चैप्टर शुरू कर लेते हैं, कौन सा कर लें, ऐसा कुछ कर लेते हैं जो कल खत्म कर दें, ऐसा कर लें क्या क्या भाई, भाई कल खत्म नहीं होगा, अंडरराइटिंग कर लें। लिखना बंद करो, समझने का काम हो जाएगा जितना हो जाए, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनना, 10 मिनट भी सफिशियंट होंगे अपने को बात डिस्कस करने के लिए। इसमें छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 3 में चपक के आता है, 8 नंबर तक का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 8 मार्क्स तक कैरी करता है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है लेकिन आता है तो कितने का आ जाता है, 8 नंबर का आ जाता है, ओके। देखिए अंडरराइटिंग का मतलब क्या है, एक कंपनी जब पब्लिक इशू लाती है, ठीक है, प्लीज़ सुनते जाएं, टाइम ज़्यादा नहीं है, मैंने चाह रहा बिल्कुल ही वेस्ट हूँ। जब वो पब्लिक इशू लाती है, सपोज़ करें कंपनी को 90 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है, तो अगर आपको किसी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए 90 लाख की ज़रूरत है, प्रोजेक्ट रन करने के लिए 90 लाख की ज़रूरत है, तो आप क्या करते हैं, 90 लाख का पब्लिक इशू नहीं लाते, आप थोड़ा ज़्यादा का पब्लिक इशू लाते हैं। तो जब आप पब्लिक इशू लाएंगे, जब आप शेयर इशू करेंगे तो कुछ खर्चा भी होगा, सही है। अब ऐसा समझो कि आप जितने रुपए के शेयर इशू करेंगे उसका 5-10% का खर्चा होगा, तो आप थोड़ा मार्जिनल इशू करते हैं। तो आपने 10 लाख का मार्जिन ध्यान में रखते हुए कितने लाख का पब्लिक इशू लाया, 16 लाख का पब्लिक इशू लाया। अगर 16 लाख में से खर्च वर्च काट के 90 बच गए तो आपका काम हो जाएगा। खर्च कौन सा लगता है पब्लिक इशू लाने में, तो हमें लगा यार खर्च का क्या है, कौन सा खर्च लगेगा, तो कौन कौन सा खर्च लगेगा, आप पहले एडवर्टीजमेंट निकालेंगे कि कंपनी क्या ला रही है, पब्लिक इशू ला रही है, जो लोग चाहें तो शेयर के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट में बताएंगे कि जिनको अप्लाई करना है वो अप्लाई करने के लिए कहां से एप्लीकेशन ले सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, बैंक्स में एप्लीकेशन फॉर्म रखा देते हैं, जैसे हमने SBI में एप्लीकेशन फॉर्म रखवा दिए, हम न्यूज़पेपर निकलवा देंगे। तब की बात करूँ जब ऑफलाइन बात होती थी, तो मैं न्यूज़पेपर निकलवा दूंगा कि कंपनी अपनी कंपनी ABC लिमिटेड पब्लिक इशू ला रही है, जो भी इंटरेस्टेड हैं वो क्या कर सकते हैं, नियरेस्ट SBI में जाके एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भर के जमा कर दें। एप्लीकेशन फॉर्म आपने जमा किया तो उसके साथ एक पैसा जमा करना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी।
उसका पर्पज ये होता है कि अगर हम एप्लीकेशन के पैसे जमा ना कराएं तो कोई झूठे फॉर्म भर के चला जाए कि मुझे चाहिए सारे, कौन हो तुम पता नहीं, मुझे चाहिए सारे सर, तो कहीं मिसलीडिंग ना हो जाए जो इन्फॉर्मेशन आ रही। तो हमने कहा ठीक है आपको सारे शेयर चाहिए ना, एक शेयर 10 का है, 2 रुपये जमा करो हर शेयर के लिए, मतलब आप अपने पैसे जमा कराओ हम मान लेंगे कि आपको चाहिए। तो आपको चाहिए शेयर, आपको चाहिए तो आप ना एप्लीकेशन भरो कि मुझे 1000 शेयर चाहिए, 1000 शेयर के साथ हर शेयर के लिए 2 रुपये आपको जमा कर देने हैं। तो कितने रुपये जमा कर दो, 2000। ऐसा अपन एप्लीकेशन मनी जमा करते हैं, सियोरिटी होती है, कोई पैसा जमा कर रहा है तो मजाक तो नहीं कर रहा हो, क्योंकि पैसे जमा करने के बाद तो डिस्क्रिशन किसकी है, कंपनी की। अगर वो पब्लिक शेयर इशू करना चाहेगी तो वो तुम्हें शेयर इशू कर देगी, और तुम 8 नहीं चुकाओगे तो शेयर फॉरफिट कर देगी। तुम्हारे हाथ में तो कोई कंट्रोल है ही नहीं ना, तुम तो कुछ बचे ही नहीं ना 2 रुपये देने के बाद। तो मैं ऐसा करूँगा कि ठीक है आपको शेयर चाहिए 2 रुपये जमा कर दो, ऐसे पब्लिक अपन क्या करते हैं एप्लीकेशन मनी लेते हैं। तो क्या होगा, हमें पब्लिक इशू लाना है, 90 लाख रुपये चाहिए, हम 100 लाख का इशू लाएंगे। हम इसके लिए एप्लीकेशंस क्या कराएंगे, बैंक में रखा देंगे कि जिन लोगों को शेयर चाहिए वो एप्लीकेशन रख भर दें। तो किन किन चीज़ों का खर्चा होगा देखें, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस होगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म हम रखेंगे फिजिकल फॉर्म में तो ये एक्सपेंस होगा स्टेशनरी का, जिस बैंक को हम अपॉइंट करेंगे कि सुनो कोई आएगा तो फॉर्म भरवा लेना उससे, है ना, और पैसे जमा कर लेना, फॉर्म रख लेना। वो बैंक हमसे क्या लेता है, चार्ज लेता है, तो बैंक हमसे क्या लेगा, चार्ज लेगा, सही है, बैंक भलाई का काम कर रहा है, चार्ज लेगा ना, वो काम कर रहा है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप किसी सीए और सीएस से कंसल्टेंसी लेंगे कि मुझे कैसे क्या प्रोस्पेक्टस बनाना है, प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा आपको, कैसे बनाना है। आपको मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ सकता है जो पूरा आईपीओ क्या करेगा, संभाल लेगा, कैसे एडवर्टीजमेंट होना है, पूरा हिसाब किताब, सेबी की रिक्वायरमेंट, स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग करना है, स्टॉक एक्सचेंज में आपको लिस्टिंग का वो करना पड़ता है, एग्रीमेंट करना पड़ता है, वहाँ आप अप्लाई करते हैं, पता है आपको ना, आईपीओ लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करना पड़ता है कि हमारा नाम क्या कर लेना, लिस्टिंग कर लेना। तो आप ऐसा बहुत सारे खर्चे कर देते हैं, 2-3 के नाम बोलें, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, बैंक को कमीशन दे दिया आपने, एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रिंट करा लिया आपने, ठीक है, सीएसीएस को कंसल्टेंसी का खर्चा, मर्चेंट बैंकर का खर्चा, सपोज करें ये खर्चा मिला के आपका 5-6 लाख रुपये हो जाता है, 100 लाख के आईपीओ की बात कर रहा हूँ मैं, तो सपोज करो कि 6 लाख रुपये का खर्च हो जाता है, 6 लाख हो गया खर्च। अब पब्लिक से सब्सक्रिप्शन आए, और सब्सक्रिप्शन आए 88 लाख रुपए के लिए, कितने के लिए, 88 लाख, 88 लाख रुपए के लिए पब्लिक सब्सक्रिप्शन आ गया, 12 लाख के लिए नहीं आया। क्या हो रहा है, सब्सक्राइब अंडर सब्सक्राइब हो गया, है ना। अब इस केस में अंडर सब्सक्राइब हो रहा है तो इस केस में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, इस केस में जो सब्सक्रिप्शन है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन से भी कम आया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है 90% ऑफ इशू, 100 लाख का 90% तो आना चाहिए था, कितने का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था, 90 लाख, आपका तो 88 लाख ही आया। क्या होता है इनके सब अंडर सब्सक्रिप्शन, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव ना हो पाए तो क्या होता है, आपके पास जो भी पब्लिक का पैसा आया है वो सारा पैसा आप क्या कर दें, वापस कर दें 8 दिन के अंदर, नहीं तो आपको क्या चुकाना पड़ेगा, ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो मेरे पास 88 लाख आया, मुझे क्या करना पड़ेगा, पब्लिक को रिफंड करना पड़ेगा, और मेरे पास क्या बचा, कुछ नहीं, और मेरी जेब से जो 6 लाख गए वो तो गए, क्योंकि क्या एडवर्टीजमेंट वाला पैसा वापस करेगा, क्या बैंक पैसा वापस करेगा, एप्लीकेशन फॉर्म का क्या करोगे, रद्दी में बेचोगे, गए ना पैसा। तो जहाँ आपको पैसे की ज़रूरत थी वहाँ उल्टे आपकी जेब से 6 लाख लग गए, मतलब नेट सिचुएशन ये होगी कि आप 6 लाख रुपए माइनस में होंगे, क्योंकि जो 88 लाख आए वो तो आपको पूरे के पूरे वापस करने हैं ना, उसका तो आप रख नहीं सकते ना, वो तो वापस करना है आपको, और 6 लाख जो खर्च हो गया वो गया, तो जहाँ पैसे चाहिए थे वहाँ उल्टे जेब से चले गए। नई कंपनियों के केस में बहुत डर लगता है, एक नई कंपनी कोई भी बनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, वो पब्लिक इशू ला रही है, क्या आप खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, क्यों, बिल्कुल नहीं इंटरेस्टेड। अभी वहीं रिलायंस आती है या ICICI का आया था तो वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है खरीदना, हर किसी को भरोसा है तो खरीदेगा, नई कंपनी का ऐसा नहीं होता। तो नई कंपनी के इसमें वो बेचारा पब्लिक इशू लाएगा, सब्सक्राइब होगा या नहीं होगा बिल्कुल नहीं जानता, वो बिल्कुल भी नहीं जानता,
क्योंकि किसी का इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें। तो ऐसे केस में अगर ऐसा हो गया कि उसने खर्चे कर दिए और पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं आया सफिशियंट, तो उसको पैसा वापस करना पड़ेगा, उसका नुकसान हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस समस्या से बचने के लिए क्या कॉन्सेप्ट आया, अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग में क्या होता है, एक बंदा होता है जो अंडरराइट करता है। अंडरराइट करने का मतलब होता है शपथ लेना। वह शपथ लेता है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं अंडरराइट कर रहा हूँ, आई अंडरटेक, मैं शपथ लेता हूँ कि जितने शेयर तुम पब्लिक को नहीं बिकवा पाओगे वो शेयर मैं खरीद लूँगा। इस केस में अगर अंडरराइटर होता तो वो क्या करता, 88 लाख शेयर बिक गए, 12 लाख वो खुद खरीद लेता। बताओ कितने शेयर सब्सक्राइब हो गए, 100 लाख। क्या अब कोई प्रॉब्लम है? नहीं है प्रॉब्लम। तो जो आपका खर्चा हो रहा था, जो आपकी अनसर्टेनिटी थी, वो क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो वो क्या बात कर रहा है आपसे कि सुनो तुम पब्लिक इशू लाओ, टेंशन मुझ पे छोड़ दो, अगर 80 लाख शेयर बिकेंगे तो 20 लाख मैं खरीद लूँगा, 70 लाख बिकेंगे तो 30 लाख मैं खरीद लूँगा, 50 लाख बिकेंगे तो 50 लाख मैं खरीद लूँगा, ये मेरी मेरी जिम्मेदारी। वो क्या कर रहा है, अंडरटेक कर रहा है, शपथ ले रहा है कि नहीं बिकेंगे तो मैं ले लूँगा, आप टेंशन मत लें, आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, वो जो एक शपथ ले रहा है कि मैं शेयर बिकवा दूंगा, मतलब ऐसा समझो कि अगर केवल 20 लाख बिके तो वो कितने खरीदने को तैयार है, 80 लाख। तो वो जो रिस्क ले रहा है ना, और वो पैसे तैयार भी रखेगा कि इन केस अगर ऊपर नीचे हो गया तो मेरे पैसे लगेंगे 80 लाख, तो उस रिस्क के बदले वो क्या करता है, कमीशन चार्ज करता है। उस कमीशन को हम क्या बोलते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन। क्या बोलते हैं उसको हम, अंडरराइटिंग कमीशन। अगर इतनी बात समझ में आई तो मेरा एक आंसर करना, उसने बोला था कि नहीं बिकेंगे तो मैं बिकवा दूंगा, कितने शेयर इशू कर रहे हो आप, 100 लाख। पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया 90 लाख के लिए और कितने अनसब्सक्राइब रह गए, 10 लाख। तो ये किसने ले लिए, अंडरराइट। बात हुई थी कि तुम्हें हम कमीशन देंगे सपोज 5%। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि किस अमाउंट का 5%, 100 लाख, 90 लाख, 10 लाख, प्लीज सोच के बोला करो, है ना, बड़ी क्लास में हो तुम। 100, 90, 10 बोले, 100 लाख। क्यों, क्योंकि उसने रिस्क ली है, और उसने क्या रिस्क लिया कि आपके नहीं बिकेंगे तो मैं बिकवाऊंगा, कितने लाख, 100 लाख। तो उसने आपको कमिटमेंट जो दिया है वो 100 लाख को देख के दिया है, और इस वजह से वो क्या करता है, वो खुद तुम्हारा एडवर्टीजमेंट करता है कि बिक जाए, नहीं तो नहीं बिके तो उसको लेने पड़ेंगे। तो वो तुम्हारे शेयर बिकवाता है, पब्लिक को बिकवाता है, पब्लिक से रिक्वेस्ट करता है। तुम कभी अपने बैंक जाओ कहीं, तो वो तुम्हें प्लान समझाते हैं कि सुनो तुम्हें चाहिए तो ऐसा वैसा सब्सक्रिप्शन आ रहा है, कर सकते हो तुम, म्यूचुअल फंड बेचते हैं वो लोग, तुम कभी बात करना कभी बैंक में बैठ के, अभी नहीं बोलेंगे, अभी तो तुम्हारे अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं होते, जब होंगे तब वो तुम्हें डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड खरीद लो, आप ये खरीद लो, वो खरीद लो। तो जब जो अंडरराइटर है वो खुद शेयर बिकवाता है, पूरी ताकत लगा देगा कि शेयर बिक जाए, क्योंकि नहीं बिके तो उसको खुद खरीदने पड़ेंगे। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी है 100 लाख शेयर की, अगर 10 लाख ही बिके तो 90 लाख वो खरीदेगा, अगर 20 लाख बिके तो 80 लाख वो खरीदेगा। तो ऐसे केस में बिकवाता है, तो उसने कितने शेयर बिकवा दिए, उसने या कंपनी ने मिलकर 90 लाख बिकवा दिए, कितने बचे, 10 लाख वो खुद खरीद लेगा। अब कमीशन कितने पे लेगा, 10 लाख पे। अगर वो कमीशन 10 लाख पे लेगा तो वो सिचुएशन इमेजिन करो जहां अंडरराइटर पूरी ताकत लगाता है और सारे शेयर बिक जाते हैं, और उसकी नेट लाइबिलिटी क्या होती है, 0, तो उसकी कमीशन खत्म। बोले किस बात की कमीशन, किस बात की कमीशन का क्या मतलब, कमीशन किस बात की थी, ऐसा थोड़ी था कि मैं ही खरीदूं, मैंने बोला था कि मैं रिस्क ले रहा हूं, मैं आपके शेयर बिकवा दूंगा और नहीं बिकेंगे तो मैं लूंगा, तो मैंने रिस्क ली थी, मुझे कमीशन किस चीज की चाहिए, रिस्क की, सही है ना, और रिस्क कितने रुपए की थी, 100 लाख। इसलिए कमीशन हमेशा किस अमाउंट पर मिलती है, जो क्रॉस लाइबिलिटी होती है कि यार मैं 100 लाख तुम्हारे बिकवा दूँ, 100 लाख में से 90 बिक गए, वो खरीदेगा 10 लाख, लेकिन कमीशन वो किसका लेगा, 100 लाख। अगर वो पूरे बिकवा देता 100 लाख तो खरीदता 0, लेकिन कमीशन तो 100 लाख की लेगा ना, बिकवाया ना उसने, है ना, उसने रिस्क ली थी, अगर नहीं बिकते तो अपने जेब से अरेंज करता वो पैसे, परेशानी होती उसको। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तुम्हें, समझ आया कि अंडरराइटिंग का मीनिंग ही क्यों है, ताकि ऐसी कोई रिस्क ना हो। ठीक है, चलो बाकी कल डिस्कस कर लेंगे। कल कितने बजे क्लास है, 11, है ना, याद रखें, हाँ तुम्हें तो याद रहेगा ना, SM के जस्ट बाद, मैं याद रखूँगा।